आज ये मुझे लगता है कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु एक बात ज़रूर है, हमारे मंत्री जी ने जो हम लोगों की जो व्यथा है 20 तारीख के निर्णय के बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आए, मैं देख रहा था कि बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे मन में पेशेंस होना चाहिए पहली बात, और उस पेशेंस के साथ में हम किसी काम को आगे बढ़ाते, हमारे साथ में जो अनजस्टिस हुए, अन्याय, ये अत्याचार जो हुए हैं, इसको हमने बहुत नजदीकी से हमने देखा है, अनुभव किया है, और आज शायद ये जो मन का जो एक प्रकार का 2 तारीख की जो घटना आपने देखा है, ये किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, ये अभी तक जैसा किसी ने कहा था कि बाबा साहब के बारे में कि उनने बहुत अत्याचार अन्याय को उनने बहुत अनुभव के साथ में देखा है, और इसलिए संविधान बनाते समय इस बात का उल्लेख भी उनने किया है, परंतु उसको बाहर अपने मन को भाव को जाहिर नहीं किया, उनने अपने हाथ में जो कानून और उस कानून को बनाते समय उनने ध्यान रखा, और उसका ये जो परिणाम हम देख रहे हैं आज, और इसके कारण हम यहां पर आज खड़े हैं, ये उस व्यक्ति को जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में काम किया, अभी हमारे खान जी कह रहे थे मैं पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन था, बहुत सारे एसोसिएशन के साथ में मिलना, बातचीत करना, और जितने भी विषय आए जो मेरे समय के जितने उस कार्यकाल के अंदर सारे विषय आए जिनका उल्लेख भी किया गया है, यहां वास्तव में नियत का सवाल है। आज जुडिशियली के अंदर भी देखें, अगर हमारे बारे में मनसा साफ नहीं है तो जितने भी हमारे जो कोर्ट के अंदर जो फैसला या डायरेक्शन आते हैं वो एक प्रकार के सरकारों को, हमारे नौकरशाही को भ्रमित करने वाले होते हैं।